Hello students, we are providing St. Angel online classes as we are working from home. Today I will discuss class 11th chemistry chapter 3 and today topic is NCERT exercise. In previous video already I have discussed some NCERT exercise question and today I will continue and now I will start here the question number 3.13. तो पहले आप क्वेश्चन को पढ़ो. क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई केटायंस आर स्मॉलर एंड एनायंस आर लार्जर इन रेडियाई देन देयर पेरेंटल एटम्स. तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है. क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एक्सप्लेन व्हाई केटायंस आर स्मॉलर देन देयर पेरेंटल एटम्स एंड एनायंस आर लार्जर इन रेडियाई देन द पेरेंटल एटम्स. तो यदि हम क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 3.13 को देखो क्या है. इसमें कह रहा है कि जो केटायंस होता है मीन्स केटायंस जिस पर प्लस चार्ज होता है उसको हम क्या कहते हैं केटायंस कहते हैं. इसको क्या कहेंगे हम केटायंस. जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है उसको हम केटायन कहते हैं. पॉजिटिव चार्ज 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है. तो कहता है क्या कि जो केटायनिक चार्ज कैरी करता है इसका रेडियाई जो होगा इसका रेडियाई क्या है मीन्स रेडियाई ऑफ ए प्लस ये क्या होगा लेसर होगा देन द रेडियाई ऑफ ए. क्योंकि पेरेंटल एटम्स मीन्स ए प्लस कहाँ से बना होगा ए से बना होगा. कोई ए एटम्स होगा और ए एटम से ही क्या हुआ होगा इलेक्ट्रॉन्स निकला होगा. दी एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल गया एक पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ए प्लस का ए केटायंस का पेरेंटल एटम्स कौन हो गया ए हो गया. तो इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि जो पेरेंटल एटम्स है उसका रेडियाई बड़ा होता है और जो केटायंस होता है उसका रेडियाई छोटा होता है. क्यों इसको आपको एक्सप्लेन करना है. बहुत सिंपली आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो. देखो यहाँ पर क्या होता है इसका रीजन क्या होता है कि जो पेरेंटल एटम्स होता है पेरेंटल एटम्स किसी भी केटायन का जो पेरेंटल एटम्स होगा इसमें क्या होगा न्यूक्लियर चार्ज जो हम देखेंगे न्यूक्लियर चार्ज जिसको हम क्या कहते हैं न्यूक्लियर जो चार्ज लगाता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पर. तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हम पाते हैं वो बैलेंस होता है किसके साथ इलेक्ट्रॉन्स के साथ. क्यों क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों क्या होता है इक्वल होता है. इसके पेरेंटल एटम में क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है जब उस पर क्या जाता है प्लस चार्ज डेवलप हो जाता है तो क्या रहता है नंबर ऑफ प्रोटॉन तो उतना ही रह जाता है. नंबर ऑफ प्रोटॉन तो डिक्रीज नहीं करता है लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज कर जाता है. तो हम क्या कह सकते हैं कि जैसे जैसे वो कैटायनिक चार्ज डेवलप करता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है बढ़ जाता है जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पर ज़्यादा लगता है. साथ ही साथ क्या होता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी कम हो जाता है. जब कैटायनिक चार्ज डेवलप होता है तो अपना क्या करता है वो ऑर्बिटल का नंबर को डिक्रीज करता है. तो इसके चलते क्या होता है कि एटॉमिक रेडियाई छोटा हो जाता है. तो इसमें दो रीज़न आता है. पहला रीज़न क्या होता है कि जो केटायन होता है उसमें क्या होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है केटायन का वो ग्रेटर होता है. तो हम लिख सकते हैं ZEF मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ केटायन क्या होता है ये ग्रेटर होता है देन द ZEF इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ पेरेंट एटम ऑफ केटायन. केटायन का जो पेरेंट एटम है उसका न्यूक्लियर चार्ज जो होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो लेस होता है. साथ ही साथ हम क्या कह सकते हैं कि जो केटायंस होता है उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होता है लेस ऑर्बिटल होता है. तो लेस नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन केटायन होता है केटायंस में नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या होता है लेस होता है देन नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट इन अ पेरेंट एटम. तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि केटायन का एटॉमिक साइज क्या होता है रेडियाई जो होता है वो छोटा होता है अपने पेरेंटल एटम से. क्यों क्योंकि पेरेंटल एटम्स का जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो लेस होता है और नंबर ऑफ ऑर्बिटल भी ज़्यादा होता है. जैसे कि इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझना चाह रहे हैं. हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि सोडियम
तो सोडियम जो है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को जब ये लूज करता है तो इसमें क्या बन जाता है, Na प्लस बन जाता है और एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो Na प्लस का पेरेंटल एटम कौन है, सोडियम है। यदि इसका हम कन्फिगरेशन करें तो इसमें कन्फिगरेशन क्या पाते हैं, 281 है। 281 मीन्स इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 11 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या है, 11 है। तो इसका जो रेडियाई होगा वो रेडियाई क्या होगा, यहाँ पर ये बनेगा। यदि ये ऑर्बिटल है तो इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, रेडियाई ऑफ सोडियम हो जाएगी। तो ये हो गया आपका रेडियाई ऑफ सोडियम। लेकिन जब ये एक इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है तो इसका कन्फिक्शन क्या हो जाता है, 28 हो जाता है। अब यदि इसका आप ऑर्बिटल देखोगे तो ये ऑर्बिटल हो जाएगा, तो ये रेडियाई हो जाएगा किसका, Na प्लस का। तो ये हो गया रेडियाई ऑफ Na प्लस। तो हम क्या पा रहे हैं, एक तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है और साथ ही साथ न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि प्रोटोन का नंबर यहाँ भी कितना है, तो प्रोटोन का नंबर यहाँ भी 11 है और प्रोटोन का नंबर यहाँ भी क्या है आपका 11 ही है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें भी 11 है, इसमें भी प्रोटॉन 11 है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना है, तो इलेक्ट्रॉन्स 11 है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना है, 10 है, इलेक्ट्रॉन्स घट गया। तो अब क्या हो रहा है कि 11 प्रोटॉन जो है वो सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, अपना न्यूक्लियर चार्ज अप्लाई कर रहा है। तो क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन्स पर ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज अप्लाई हो जाएगा। तो न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर जब होगा तो एटॉमिक रेडियाई क्या होगा, छोटा होगा, ये रीज़न होता है। अब यदि हम एनायन के केस में जाके देखें कि एनायन के केस में क्या हो रहा है, तो हमको यहाँ पर मिलेगा, कहता है कि एनायन जो होता है जैसे आपका Cl- है, क्या है Cl-, तो Cl- जो सॉरी Cl, यदि एक इलेक्ट्रॉन्स को एनायन आप ले लो, एग्जांपल में एनायन मान लो A हमने लिया और इस A पर एक इलेक्ट्रॉन्स यदि आता है तो ये क्या बन जाता है, A- हो जाएगा, A-। तो ये क्या कहलाएगा, एनायन कहलाएगा, जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है वो एनायन कहलाता है, इसको क्या कहेंगे हम, एनायन कहेंगे, ये एनायन हो गया। कहता है क्या कि एनायन अपने पेरेंटल एटम से उसका रेडियाई क्या होता है, बड़ा होता है, मीन्स रेडियाई ऑफ ए जो होगा वो क्या होगा, छोटा होगा देन द रेडियाई ऑफ ए माइनस। ये आपका क्वेश्चन कर रहा है और आपको एक्सप्लेन करना है कि क्यों। तो अब आप देखो इसमें क्या होता है, इसका रीजन क्या होता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो न्यूक्लियर चार्ज जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो एनायन में कम लगता है और इसमें न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, ग्रेटर लगता है। तो हम बात करें जेड ई एफ न्यूक्लियर चार्ज का, जेड ई एफ ऑफ ए जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा देन जेड ई एफ ऑफ ए माइनस, एक तो ये होगा। दूसरा क्या होगा कि जो ऑर्बिटल का साइज होगा, ऑर्बिटल का जो नंबर होता है वो एनायन में मोर होता है और कैटायन में क्या होता है, कम होता है। कभी कभी नंबर ऑफ ऑर्बिटल कॉन्स्टेंट भी हो सकता है, जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं Cl का, तो Cl जब एक इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है तो ये Cl- बन जाता है। अब इसका कन्फिक्शन यदि करें तो क्या होगा, 287। अब आप देखो इसमें ऑर्बिटल तो यही बनेगा, ये क्या हो गया, ऑर्बिटल बन गया। अब ये यहाँ से रेडियाई हो जाएगा इसका, इसी को हम रेडियाई कहेंगे, तो हम लिख देंगे रेडियाई ऑफ Cl। लेकिन जब ये एक इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है तो इसका कन्फिक्शन हो जाता है 288। तो अभी भी नंबर ऑफ ऑर्बिटल तो कांस्टेंट है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल कांस्टेंट है, लेकिन आप यहाँ पर देखो क्या निकल के आ रहा है कि यहाँ पर प्रोटॉन का नंबर कितना है, 17, इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है, 17। इसमें क्या हो गया, प्रोटॉन का नंबर 17 है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना है, 18, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें बढ़ गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने के चलते क्या होगा कि न्यूक्लियर चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स पर लगेगा वो लेस लगेगा, जिसके चलते क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल थोड़ा दूर चला जाएगा और रेडियाई क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये इसका क्या होता है, रीजन होता है कि एनायन का रेडियाई क्या होता है, बड़ा होता है अपने पेरेंटल एटम से और कैटायन का रेडियाई क्या होता है, छोटा होता है। सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3.15, क्वेश्चन क्या कह रहा है आप देखो, इनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज दिस, आपको दिया हुआ है इनर्जी दे दिया ग्राउंड स्टेट में दिया। कैलकुलेट द आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन इन टर्म ऑफ द किलो जूल पर मिनट। अब देखो इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, पहले तो हमको ये जानना पड़ेगा कि आयोनाइजेशन इनर्जी होता क्या है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है, इसको जानना पड़ेगा। तो इसको जानने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना है कि जब किसी भी एटम का, हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 1.15,
3.15। यहाँ देखो, हमको जानना क्या है कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, कि जब किसी एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ ले जाते हो, जब इस और इसको निकाल के हम कहाँ ले जाएं, तो इसके इन्फिनाइट, मान लो कि यही इन्फिनाइट ऑर्बिटल है, यदि इतना एनर्जी इसको प्रोवाइड कर दें, हम इतना एनर्जी दे दें कि ये इलेक्ट्रॉन्स अपना निकल के कहाँ जाए, इन्फिनाइट ऑर्बिट में आ जाए, तो फिर से ये इलेक्ट्रॉन्स रिटर्न होकर ग्राउंड स्टेट में नहीं जाएगा, तो उसी को क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी मीन्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एलिमिनेट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल टू इन्फिनाइट ऑर्बिटल्स। इसी को हम क्या कहते हैं, इन्फिनाइट ऑर्बिटल में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को ले जाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, दैट इज कॉल्ड द आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सो देखो, एनर्जी यहाँ पर जो आपका रिक्वायर्ड होगा, एनर्जी रिक्वायर्ड, द एनर्जी रिक्वायर्ड इक्वल टू क्या निकल के आ जाता है, आ जाएगा एनर्जी को ई से इंडिकेट करते हैं, ई इन्फिनिटी माइनस ई आई, जो आप इनिशियल ले रहे हो। इन्फिनिटी पर जब आप एनर्जी ले जाओगे तो वहाँ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ई इन्फिनिटी जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो। तो यदि हम एनर्जी रिक्वायर्ड में लिख दें, यहाँ पर वैल्यू रख दें, तो जीरो माइनस क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा जो वैल्यू आपको गिवन है। तो वैल्यू क्या गिवन था, आप देख लो, यहाँ से आपको वैल्यू गिवन था -2.18 × 10⁻¹⁸ जूल, आपको ये एनर्जी गिवन है। तो ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा -2.18 × 10⁻¹⁸। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 2.18 × 10⁻¹⁸। और ये जो एनर्जी आएगा वो जूल में आएगा, किस में आएगा, जूल में। अब इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना है, तो किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 2.18 × 10⁻¹⁸ हो जाएगा। और इसको यदि किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ 1000 लगा दो, 1000, तो ये क्या हो जाएगा, किलो जूल हो जाएगा। और यदि पर मोल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 2.18 × 10⁻¹⁸ अपॉन 1000 × 6.022 × 10⁻²³ कर देंगे। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 1312.36 किलो जूल पर मोल आ जाएगा, या इसको आप लिख सकते हो 1.31236 किलो जूल, सॉरी, इंटू 10³ किलो जूल पर मोल आ जाएगा आपको। That's it. Thank you.